आज मैंने इवनिंग स्नैक्स में बनाया है इटालियन डिश, वो है फ्यूजली पास्ता की रेसिपी, जो कि आज रेड सॉस के साथ बनेगा। तो आइए रेसिपी को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें मैंने लगभग 1.5 कप फ्यूजल्स पास्ता लिए हैं। तो आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। अब मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी ले रही हूँ, तो किसी भी पैन या कढ़ाई में पानी ले लें। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे, और पानी जब उबल जाएगी तब हम इसमें पास्ता को डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं और एक उबाल आने का वेट करते हैं। उबाल आना शुरू हो चुका है, अब इसे ढक कर थोड़ा सॉफ्ट होने तक को पकाएंगे। तो बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहें। आइए अब हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन 80-90% ये अच्छे से कुक हो जाने चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे और इसे ठंडा पानी से हम वॉश करेंगे, ताकि जो भी इसका कुकिंग प्रोसेस है वो लो हो सके। तो इस तरीके से ठंडे पानी को इस पे पोर करेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो वॉश बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे, और ये देखिए इस तरीके से अच्छे से पानी निकल जाना चाहिए। और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब रेड सॉस की ग्रेवी के लिए तैयारी करते हैं। तो वहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको बीच से इस तरीके से स्लिट कर देंगे, ताकि बाद में इसकी स्किन को निकालने में आसानी हो। अब हम इसे बॉईल करेंगे, तो उसके लिए मैंने पानी को लिया है, उसमें टमाटर को डाल देंगे। यहाँ पे गर्म पानी है। अब हम इसमें 2 लाल मिर्च डाल देंगे। तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर लें। कवर कर कर सॉफ्ट होने तक कुक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अनियन को कट करूँगी, उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, और बहुत ही बारीक बारीक इसे हम कट करेंगे। तो आप कट करने के लिए इस तरीके से नाइफ़ या फिर चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमने बारीक कर लिया है। आइए टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख लें, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्किन भी रिलीज़ हो चुका है टमाटर में से। तो ये अच्छे से कुक हो चुके हैं टमाटर। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं, और अच्छे से इसके स्किन को रिमूव कर लेंगे। बहुत ही ईजली ये रिमूव हो जाता है, बहुत मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि हमने इसको बीच से स्लिट कर दिया था। अब इसके एजेस को कट कर लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैंने यहाँ पर लिया है ग्राइंडर जार, और इसको रफली चॉप्ड कर देंगे इस टमाटर को, और ग्राइंडर जार में डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें चिली को भी ऐड कर देंगे, तो चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। अब इसको डालकर हम एक फाइन सा पेस्ट को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटो प्यूरे बनकर रेडी है। अब हम गार्लिक को फाइनली चॉप्ड कर लेंगे, तो बहुत ही बारीक बारीक कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कट कर कर लहसुन को भी रेडी कर लिया। तो मैंने 2 से 3 लहसुन को इस तरीके से कट किया। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, टमाटो प्यूरे, लहसुन, ऑरेगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च पाउडर, टमाटो सॉस। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डालकर हम दोबारा से इसको सॉटे कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक इसको सॉटे करना है। प्याज हमारा सॉटे हो चुका है, अब इसमें अब सीजनिंग की बारी आती है। तो काली मिर्च डालेंगे, ऑरेगेनो डालेंगे, या फिर आप इसके जगह पे मिक्स हर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालेंगे, और चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट और सॉटे कर लेंगे। अब भुनते भुनते 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें टोमेटो प्यूरे को मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, और टमाटर को अच्छे से कुक करना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इस फिर से अगेन मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर को हमें लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। टमाटर को हमने पहले भी कुक कर लिया था, इसीलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ऑयल रिलीज हो चुका है टमाटो में से। तो अब हम इसमें टमाटो केचप को डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून टमाटो केचप लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो चुका है, और इसको मीडियम फ्लेम पे एक उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये उबल रहा है।
अब इसे ढककर एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। आइए चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, वाव। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून पास्ता सॉस डालूंगी। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, सेजवान सॉस है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें बॉइल्ड किए हुए पास्ता को मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि पास्ता के साथ ये जो रेड सॉस हमने तैयार किया है वो मिक्स हो जाए। तो मैंने इस तरीके से टॉस किया है, अब यहाँ पर रेड सॉस ड्यूसली पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। तो मैंने इस तरीके से प्लेट पे सर्व किया है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आप इसको मिंट लीफ और कोरिएंडर लीफ के साथ गार्निश करें और इसको गर्मा गर्म खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत ही हेल्दी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।